दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद रियाज, जिसको लोग देखने के लिए कराची से आते हैं, पंजाब से लोग आते हैं, बहुत सारे सिटीज से इस मस्जिद को विजिट करने के लिए आते हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद रियाज, इसके सामने आप क्या विला विजिट जी। तो आइए अभी हम आपको इसका अंदर से विजिट करवाते हैं। ये इसका मेन डोर आ गया जी। जैसे ही हम इस विला के अंदर एंटर होते हैं तो ये आपकी गाड़ियों की पार्किंग की स्पेस है। यहाँ पे आप अपनी दो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। फिर इस साइड पे आपके पास ऑप्शन है, आप इस टाइलों को उखाड़ के यहाँ पे अपना घास लगा सकते हैं, अपनी सिटिंग कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। बैक साइड की तरफ से भी आपका ये सर्वेंट की तरफ आपका ये सर्वेंट क्वार्टर का रूम आ जाता है। फिर आपका बेसमेंट की तरफ ये रास्ता जा रहा है। सबसे पहले हम अंदर जाते हैं। जैसे ही हम इंटर होते हैं तो ये फ्रंट वाला जो डोर है इसको आप कार्ड के साथ ओपन कर सकते हैं, बड़ा डोर है। तो जैसे ही हम विला के अंदर एंटर होते हैं, सबसे जो अच्छी चीज़ है आप यहाँ पे नीचे देखें, टाइल्स का साइज चेक करें, टाइल्स की क्वालिटी चेक करें, टाइल का साइज चेक करें। ये आ गया जी आपका ड्राइंग रूम। यहाँ पे आप अपना सेपरेट ड्राइंग रूम, यहाँ पे इसको आप मतलब अपनी इजिली सिटिंग कर सकते हैं, अपने गेस्ट रूम को यहाँ पे ठहरा सकते हैं। वीआईपी किस्म का ये बड़ा ड्राइंग रूम है। फिर यहाँ से भी आपको सामने ग्रैंड मस्जिद का जो व्यू मिल रहा है आप देख सकते हैं। जैसे ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं, ड्राइंग रूम के बाद आप ये पाउडर वॉशरूम इसका चेक कर सकते हैं कि कितना बड़ा पाउडर वॉशरूम है और कितना खुला और कितना वीआईपी किस्म का ये इन्होंने वॉशरूम यहाँ पे डिजाइन किया है। इसके साथ ही ये एक ओपन स्पेस के तौर पे आप इसको डाइनिंग रूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको स्टडी रूम के एतवार से भी इसको बना सकते हैं। इसमें दरवाजा लगाना, लगाएं नहीं लगाना वो आपकी मर्जी है। ये आपके बच्चों के लिए सेपरेट स्टडी रूम हो जाएगा। तो इसके साथ ही ये खुला डुला आपका, इसमें भी सीलिंग इन्होंने करवाई है, आपका खुला डुला जी ये आपका ड्राइंग रूम आ गया। यहाँ पे आप अपने सोफा सेट, अपना टीवी लाउंज, ये सारा सॉरी ये टीवी लाउंज है आपका। यहाँ पे आप अपनी एलसीडी लगा के यहाँ पे अपना सोफा सेट इसको पूरा डिजाइन करके वीआईपी किस्म का बना सकते हैं। फिर इसके साथ ये लग्जरी किस्म का ये इन्होंने यहाँ पे किचन दिया है। किचन आप देख सकते हैं, किचन के अंदर ये कबर्स आप देख सकते हैं, वीआईपी किस्म की इन्होंने वुड इस्तेमाल किया है। नीचे जो मार्बल लगा है वो भी आप चेक कर सकते हैं, खूबसूरत किस्म का। सैनिटरी इन्होंने अच्छी लगाई है। ये जी इसका डर्टी किचन है, ये इसमें भी कबर्स अच्छे लगाए हुए हैं, सैनिटरी मार्बल आप चेक कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये बाहर की तरफ आपके सर्वेंट के लिए इन्होंने रास्ता दिया है। आपका सर्वेंट यहाँ पे आएगा, आपका खाना बनाएगा, खाना बनाने के बाद फौरी यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो ये भी साथ एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा बर्तन है तो आप यहाँ पे अपने बर्तन वगैरह रख सकते हैं, अपनी चीज़ों को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये भी उन्होंने एक अलग से इसमें ऑप्शन दिया है। तो ये टाइल्स आप पूरे घर में देख सकते हैं, ये इसी तरह की टाइल्स लगाई है। 5 बेडरूम अकोमोडेशन ये विला है। अभी हम इसके आपको फर्स्ट बेडरूम का विजिट करवाते हैं। ये इसकी आप डोर क्वालिटी चेक करें, डोर मतलब वीआईपी किस्म के इन्होंने यहाँ पे इसमें दरवाजे लगाए हैं। ये जी इसका फर्स्ट बेडरूम है, आप ये देख सकते हैं, इसमें भी टाइल सेम एक ही तरह की टाइल लगी है। इसके साथ अटैच वॉशरूम है, आप वॉशरूम की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, अच्छे खासे इन्होंने बड़े खुले दुले यहाँ पे इन्होंने वॉशरूम दिए हैं। फिर इसके अंदर ही आपके जितने भी ये कैबिनेट्स वगैरह हैं ये सारे इसी के अंदर ही आ जाते हैं। ये यहाँ पे आप वुड चेक कर सकते हैं, ये सारा वीआईपी किस्म का इन्होंने यहाँ पे ये इसका सेकंड बेडरूम है। ये बैक साइड पे आपकी सारी जो सामने आपको नजर आ रही है ये 1000 गज की कटिंग है। 1000 गज के खूबसूरत बंगलोज यहाँ पे बैरिया देगा, मतलब जो जिसने भी बनाना है 1000 गज का यहाँ पे बनाएगा। ये आपका नीचे बेसमेंट की तरफ भी रास्ता जा रहा है सामने। ये जी इसका वॉशरूम है, इसके साथ अटैच वॉशरूम है रूम के साथ। इसके अंदर भी इन्होंने सेम इसी तरह से ये कवर्स लगाए हैं, आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ इन्होंने, जिस तरह दूसरे कमरे के अंदर कवर्स हैं सेम इसके अंदर भी वही उसी तरह के कवर्स। अभी मैं आपको इसकी बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर का विजिट करवाता हूँ। ये सेपरेट दरवाजा है, आप इसको बंद करके आप अपना फर्स्ट फ्लोर बेसमेंट इसको रेंट आउट कर सकते हैं। ये इस साइड से भी इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से आपका सेपरेट हो जाएगा। तो चलते हैं अभी हम आपको अंदर से बेसमेंट का विजिट करवाते हैं। ये जी आपकी आ गई बेसमेंट, बेसमेंट के अंदर भी सेम टाइल्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, फैन वगैरह लगे हुए हैं। तो ये आपका इस साइड पे आ जाते हैं, आप अपनी यहाँ पे कोई भी सिटिंग कर सकते हैं, स्टडी रूम या कोई भी चीज़ आप एक्स वाई जेड यहाँ पे बना सकते हैं, इसको थिएटर रूम बना सकते हैं, अपना सेपरेट जो बेसमेंट में आप करना चाहें, अपना सामान स्टोर करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। खुली बेसमेंट है। इसके साथ ये एक ये वाली जगह आ गई जी, एक सेपरेट आपका ये वाला आ गया, इसमें भी आप यहाँ उसको थिएटर बना सकते हैं या इसको बना सकते हैं।
इसमें आप अपनी कोई भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, गेम्स के लिए ये बेहतर है। तो यहाँ पे आप अपना स्नूकर वगैरह रख सकते हैं या कोई भी यहाँ पे एक्स वाई गेम। आप चलते हैं अभी इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, बड़ा आउट क्लास किस्म का आपको फर्स्ट फ्लोर से व्यू मिलेगा, वीआईपी किस्म का ग्रैंड मस्जिद का व्यू। सामने ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप खड़े होकर सामने मेन जना, ये गाड़ियाँ जहाँ से जा रही हैं ये सारा मेन जना एवेन्यू है। ये सामने आपकी इकरा यूनिवर्सिटी आ गई और ये ग्रैंड मस्जिद बिल्कुल सामने इसके। दो बेडरूम नीचे हैं, तीन बेडरूम ऊपर है। सबसे पहले मैं इसका आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये आपका जी टीवी लाउंज आ गया, खुला टीवी लाउंज है। यहाँ पे आप अपना एलसीडी लगा के इसको वीआईपी किस्म का मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही इसके ये आपका किचन आ गया जी, किचन भी इन्होंने, ऊपर भी किचन है नीचे भी किचन है, आप देख सकते हैं इसमें भी अच्छी खासी जो है ये कैबिनेट्स लगाए हुए हैं इन्होंने। इसके साथ ही ये नीचे भी इन्होंने एक ये खाली जगह दी है कि यहाँ पे आप इसको एज अ डाइनिंग हॉल भी बना सकते हैं, आप इसको स्टडी रूम भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी इसका जो मास्टर बेडरूम है, सबसे खूबसूरत बेडरूम आपको आया दिखाता हूँ ज़रा। ये आप देख सकते हैं कि कितना खुला डुला बेडरूम है। यहाँ पे आपको सामने 2000 गज का विला नज़र आ रहा है, साथ मेन जना एवेन्यू नज़र आ रहा है, अली ब्लॉक ऊपर हाइट पे जो नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे मज़े की चीज़ है, ये आपने जी अपनी बालकनी ओपन करनी है, इसकी खिड़की को ओपन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, जो यहाँ से आपको व्यू मिलना है सामने आप देख सकते हैं, ग्रैंड जामे मस्जिद, मस्जिद रियाज आपको सामने से नज़र आएगी, इकरा यूनिवर्सिटी आपको नज़र आएगी, सामने बैरिया हाइट्स जैसे जो अपार्टमेंट हैं डेस्कॉन के वो आपको नज़र आएंगे। वीआईपी किस्म का यहाँ से आपको व्यू मिलेगा। आपने यहाँ पे अपनी सिटिंग करनी है, अपनी यहाँ पे आपने चेयर्स लगानी है, चेयर्स लगा के आप यहाँ पे बैठें शाम के वक्त, अपनी चाय कॉफ़ी इंजॉय करें, सामने ग्रैंड मस्जिद का व्यू लें, आपको सनसेट सामने से नज़र आएगा, वीआईपी किस्म का यहाँ से आपको व्यू दिखेगा। आ जाएं जी अभी इसका किचन आपको, सॉरी वॉशरूम दिखाते हैं। वॉशरूम आप देखें कि ये इन्होंने ओपन वॉशरूम दिया हुआ है, बड़ा खुला वॉशरूम है। आप अगर डोर लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है, इसमें लगा सकते हैं, बाकी खुला डुला यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ओपन किस्म का वॉशरूम दिया है। इसके साथ ही ये आप इसमें देख सकते हैं सारे कवर्स लगे हुए हैं। इसके आपको सेकंड थोड़ी फोर्थ बेडरूम का विजिट करवाते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे भी एक इन्होंने एक्स्ट्रा स्पेस दी है, आप यहाँ पे भी अपनी सिटिंग कर सकते हैं। आपको जो बैक साइड से यहाँ पे भी व्यू मिलेगा 2000 गज का, मेन जना का पीछे 1000 गज के प्लाज हैं उनका, आपको यहाँ से व्यू मिलेगा। यहाँ पे भी आप अपनी खुली डुली हवा आ रही है, काफी तेज यहाँ पे हवा लगती है, यहाँ पे आप अपनी चेयर्स रख के यहाँ पे भी अपनी सिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जी ये इसका फोर्थ बेडरूम है, आप इसमें भी देख सकते हैं डोर अच्छा लगा हुआ है, नीचे टाइल्स वही सेम उसी तरह की। इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम में भी आप चेक कर सकते हैं, ये मार्बल आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे टाइल्स सारी ऊपर इन्होंने जो टाइल्स दी है, फिर इसके साथ भी ये आपकी कवर्स आ गए। इसके साथ मतलब इन्होंने जितने भी कवर्स हैं सारे वॉशरूम के अंदर ही हर कमरे में दिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी आगे, आपका ये फोर्थ बेडरूम आ गया जी, फिफ्थ बेडरूम सॉरी। ये भी काफ़ी खुला डुला बेडरूम है, यहाँ से भी आपको ये सामने व्यू मिलेगा। ये मेन जना एवेन्यू है, बिल्कुल बस स्टैंड भी इसके पास है, सामने ये वाईटीवी बस जा रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं मेन जना नज़र आ रहा है। इसके साथ ये वाला आ गया जी आपका अटैच वॉशरूम। जी तो अगर आप भी इस आइडियल लोकेशन के ऊपर अपना विला परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर मौजूद है 0305111530। आप इस पर रब्ता करके ये विला परचेज कर सकते हैं, बहुत ही मुनासिब कीमत के ऊपर विला है। मैं अगर इनकी यहाँ पे बैरिया हिल्स में कीमतों को डिफाइन करूँ तो यहाँ पे इस टाइम तकरीबन कोई 6 करोड़ से स्टार्ट होके आपको 10 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़ तक भी आपको 500 गज के विलाज मिलेंगे। वो जितनी अच्छी लोकेशन, जितना अच्छा काम होगा, पैसे भी उसी हिसाब से होंगे। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। अल्लाह हाफिज़।